हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइडर में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ख़तरनाक होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में आपके सामने है ब्रांड न्यू BMW। फिर लोगों की डिमांड आई थी कि RR310 की रिव्यू वीडियो बनाओ। जैसे कि आपको पता है ये बाइक ली थी हमारे रंजीत भाई ने, तो सबसे पहले हम बुलाएंगे रंजीत भाई को। रंजीत भाई, प्लीज़ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? तो गाइस, देख सकते हो बाइक की डिलीवरी वीडियो आपने देखी लगी मेरे चैनल पर। तो आज इसका हम थोड़ा सा ऑनरशिप रिव्यू लेंगे रंजीत भाई से। रंजीत भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बाइक कितने की ली है? भाई ये बाइक मैंने ली है 3,65,000 रुपये। तो 3,65,000 की बाइक ली है। तो आपने यही बाइक क्यों ली, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। 390 भी है, निंजा की 30 आ जाती मेरे ख्याल से। आई गेस भाई छोटे से मैं ख़त्म करते हैं। हाँ, ये देख रहे हो यहाँ पे। अच्छा, ये सारा पैसा इसका है। लो, और कुछ नहीं। आने को तो इसमें अपाची भी। हाँ, सेम ही है। सेम है, सब कुछ सेम है, सेम है। मतलब मेरे हिसाब से शायद वही बना रही है। और अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको TVS का लोगो भी दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, दे रखा गया इसमें। मैं दिखाता हूँ अभी, दिखेगा मुझे। कोई नहीं, दोबारा तो अगर अब बात ये आ रही है कि ये क्यों ली, कलर देख रहे हो? कलर नहीं आता उसमें। अच्छा, ये वैल्यू देख रहे हो? वैल्यू के तो पैसे है। सामने खड़े हो जाओगे ना तो पहले बार तो उसको देखेगा। उसने भले 310 TVS देखे हो कितनी बार भी, मगर इसको वो दो बार जरूर देखेगा भाई है कौन सी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रंजीत भाई कि बंदा जब बाइक लेता है तो सबसे पहले एक चीज़ देखता है कि भाई बाइक इतनी हैवी ले ली, पैसा दे दे, कोई दिक्कत नहीं। बाइक माइलेज कितना देगी, माइलेज कितना देती है आपको? बंदे सोचते ले लेंगे भाई, ले ली शौक में। जब माइलेज ही पता लगती बंदे। मैं आपको बताता हूँ, तो भाई जब मैंने बुलेट ली थी तब भी एवरेज का नहीं सोचा था। बुलेट अभी भी है मेरे पास, और ये लिया अभी भी मेरे अंदर ये नहीं है कि भाई क्या एवरेज है। वैसे अगर एवरेज नहीं, मान लो जैसे कि और बंदे लेते हैं तो कोई ना कोई घर को होता है ना, जैसे तो मैं भी वो कोई भी हो, मुश्किल से मुश्किल 25-30 क्लेम करती। अच्छा, मगर जो ये पावर मिल रही है ना आपको, वो नहीं मिलेगी। आप कभी निकाल ही नहीं सकते भाई 30-25 के ऊपर चले जाओ, मैं मान जाऊंगा कि आपको। हाँ, 70-80 में चलोगे तो भाई 30 का मैं तो फिर दे ही देगी। बट जब हाथ में पावर होती है तो इंसान कंट्रोल कर ही नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, इंसान से रुका ही नहीं जाता। तो 350 cc का इसका इंजन है या कम ज़्यादा है? ये भाई ये है 313 cc। 313 cc का, एंड 6 गियर स्पीड बॉक्स मिलते हैं जैसे नॉर्मल सब बाइक में होते हैं। इसमें मस्त बुलेट में 5 आते थे भाई, मैं काफ़ी खुद हूँ। एक गियर एक्स्ट्रा मिल गया, एक गियर एक्स्ट्रा मिला मुझे। ओ भाई, KTM चलाई थी आपकी। मैं 125 cc में भाई 6 गियर देते हैं, बुलेट वालों को कौन समझाया? 350 cc 5 6 गियर चाहिए उनकी बाइक को, 6 गियर कंपल्सरी होने चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़े मीटर के बारे में। तो मीटर कंसोल कैसा है इसका, थोड़ा सा रंजीत भाई बताओ हमें। अभी देखना कि जो मैंने बोला था ना इसका BMW लोगो का, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमारा आ गया है फ्यूचर मीटर में। तो रंजीत भाई आप बताओ क्या क्या फ्यूचर है इसमें। ये है आपका, मतलब यहाँ से राइडिंग मोड है इसमें। ओके, 4 राइडिंग मोड है, अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक। स्पोर्ट्स और ट्रैक भाई, ट्रैक पे लगाते ही पागल है ये मशीन, पागल है। फिर इसके आगे कुछ नहीं है, मजाक से हट के कुछ भी नहीं है, सोचो। ओके, फिर ये आ जाती है हमारी ट्रिप डिटेल्स, जो ABC ABC है। और फिर ये है व्हीकल की इन्फॉर्मेशन, आपकी सर्विस कब हुई है। तो मैंने बाइक ली और सर्विस करा ली, मैंने करा ली तुरंत। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ जाता है परफॉर्मेंस, जो मतलब क्या माइलेज एक तरीके का रिकॉर्ड इसमें सेट होता है, कितने कितने में आती है इसमें जो है वो तो चलो बात की बात है। फिर ये जो हम अपने हिसाब से जो डिस्प्ले है ना ये वाली, हाँ ये डिस्प्ले हम अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर आ रहा है, टॉप स्पीड आ रही है, फ्यूल रेंज, मैंने टॉप स्पीड 159 भगा रखी है। ओके, ऑडोमीटर है, फ्यूल रेंज है, ये सारी चीज़ें हम कस्टम कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें अगर टाइम चाहिए तो टाइम आ जाएगा, टाइम तो वैसे यहाँ पे भी आता है, डेट वगैरह अगर जो भी चाहिए वो अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। अरे आप, हमारे स्पीड कितनी चल रही है वो है RPM में, फ्यूल है एंड हीटिंग है, और गियर कौन सा बार चल रहा है, तो ये हो गया। और ये 4 बटन मिलते हैं आपको, इससे आप चेक कर सकते हो, ये ऊपर नीचे अप डाउन का साइड है एंड ये बैक का है, और ये हमारा फ्लैशर के लिए, राइट। ये भाई किसी भी बाइक में नहीं आ रहा, ये इसमें आ रहा है। ओके, इस रेंज की बाइक में ये इसमें आ रहा है, यहाँ तक कि अगर अभी KTM है 390 उसमें भी नहीं आएगा। हाँ, इसमें आता है, और फिर मैंने इसी में जो अपना हजार्ड का हैजार्ड आता है वो भी लगवा लिया कि दो बार प्रेस पुश करने पे अपना बुझ जाएगा, और ये पास का मिल जाता ऑप्शन। और यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर का, ये हमारा हॉर्न का बज रहा है, और ये हमारा मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट का, सिंगल टच है, सिंगल टच। ये इग्निशन ऑन हो गया, सिंगल टच स्टार्ट। ओह नाइस यार,
बस ये एग्जॉस्ट की साउंड सुनाओ सबसे पहले भाई, फुल थ्रॉटल के साथ। ओ भाई साहब, वॉइस तो काफ़ी लाउड है, मतलब जिस हिसाब से नॉर्मल बाइक में होती है इसी काफ़ी यूनिक है थोड़ी सी आवाज़ में। और आगे से दिखाओ, आगे से। ओ भाई ये लुक, पहले तो आप लुक चेक करो गाइस, देख रहे हो मतलब कितना है, गंदी तो इग्नोर कर दो गाइस, आप लुक चेक करो कितना सेक्सी लग रहा है। मतलब यार ये दो क्या कहते थे, मतलब नाम भी भूल गए इसका यार, प्रोजेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, प्रोजेक्टर कितने खतरनाक लग रहे हैं। और ये साइड में आपको डीआर मिल जाता है आई टाइप का, और ये जो दोनों प्रोजेक्टर है ना फुल आई की तरह एकदम लग रहे हैं खतरनाक। हाँ बस इसमें 1000 RR विंगलेट्स आ जाए, विंगलेट्स आ जाए बल्कि लुक और हो जाए थोड़ा सा तो फिर तो भाई खतरनाक। और ये वाइजर मिल जाता है काफ़ी बड़ा आपको, ट्रांसपेरेंट, मिरर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो बात करते रंजीत भाई, इसमें जो लाइट है आगे पीछे, टेल लाइट जैसे हमारे को इंडिकेटर हो गए, तो सब LED मिलती है ना, सारे LED है। और एलॉय कितने इंच प्रोवाइड करती है कंपनी दोनों, आगे के 17 हैं पीछे के भी 17 ही हैं। और रही बात डिस्क ब्रेक की, तो दोनों में रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर और बैक फ्रंट में ABS है। ओके भाई ब्रेक जैसे इसमें पावर दे रखे ना, तो ब्रेक भी बहुत अच्छी दे रखी है। ओके पब्लिक कहती है कि अपाचे 310 में ब्रेक फ्रंट की अच्छी है इससे, बट मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, इशू मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि इतनी पावर के बाद भी ब्रेक में कोई दिक्कत आ रही हो। इसमें आता है डुअल चैनल ABS। ओके आगे भी पीछे भी, मतलब मैंने बताया ना आपको ब्रेक एक नंबर है। अगर आपने पैनिक ब्रेकिंग कर भी दिया है तो इस मशीन में ना भाई सेंसर इतने हैं कि वो ब्रेक ना बिल्कुल अचानक से नहीं लेगा, रुक रुक के लेगा। ऐसे कहते हैं ना कि ABS अपना पूरा काम कर रहा है, मैंने इसको मिट्टी में भी चला लिया, ऑफ रोडिंग कर ली इसके साथ उसके बाद। ओके तो अब बात करते हैं रंजीत भाई, थोड़ा समय को आप ही बताओ, थोड़ा सा बाइक का लुक चेंज करते करते हम वीडियो बनाते हैं ना, तो अब इसकी बात करें टायर का सेक्शन कितना मिलता है आगे और पीछे। भाई ये टायर का सेक्शन है मेरे ख्याल से आगे 110-70 और पीछे 150-170-17 का। तो पीछे का टायर देखो साइज काफ़ी बल्की है यार, गोबर लग रखा है सॉरी। इसके साथ टायर देती है ना मिशलिंग के, देती है किसे देती है, मिशलिंग के मिशलिंग रोड पायलट 5। ओके जो कि मेरे ख्याल से सिंगल टायर पीछे पीछे का ही 8,000-9,000 रुपये का। ओके इतना कॉस्टली है, तो भाई ये है कि अगर कंपनी पैसा ले रही है तो उसके हिसाब से दे रही है अपने दे रही है। तो मेन पॉइंट पर आते हैं रंजीत भाई, हम सब चीज़ हमने फ्यूचर बता दिया, डिस्कस कर लिया, इंजन सिंगल चैनल 6 गियर सब बात कर ली। अब जो मेन एक्सपीरियंस होता है बंदे का वो ये होता है कि बाइक तो ले ली, बाइक ले ली ठीक है, हर चीज़ फ्यूचर पता लग गए। एक पर्सनल अपना ओपिनियन होता था कि बाइक को कैसा फील होता है चलाने में, आपको लियो कितने दिन हो गए रंजीत भाई, वही होगा ना मैं 15-20 दिन का आसपास। भाई मेरे को ये 15 दिन हो गए, आप तो आए थे। हाँ मैं तो आया था, मैं बोल रहा हूँ 15 दिन हो गए ना मेरे ख्याल से। तो इसमें जिस हिसाब से उसका लुक है, मतलब बैठने वाला बंदा जब बैठेगा, एक बार आप बैठ के दिखाओ पहले ऑडियंस को। अगर बैठने वाला लुक देखा जाए ना, हाँ तो एक है R15 जो काफ़ी नीचे है राइट, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक होती है, ये है बिल्कुल मीडियम रेंज में, ना नीचे ना ज़्यादा अप है, क्योंकि भाई इसमें ऐसा लगता ही नहीं है आप कितनी भी लॉन्ग राइड कर लो, बस इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होगी लॉन्ग राइड पे तो ये सीट प्रॉब्लम, सीट कंफर्टेबल नहीं है, और पिलियन के लिए तो सीट नहीं है। ओके मतलब इसमें सीट कंफर्टेबल नहीं है, कंपनी ने पत्थर लगा के दिए नीचे। ओके पत्थर मस्त काम कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा दे दिया कि भाई जो बंदा उसे उसे थोड़ी कम प्रॉब्लम हो, जिंदा रहे। ओके बस चलता तो सेम सीट आगे भी लगा। ओके क्योंकि और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को यहाँ तक कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मतलब कर लिया 100-150 किलोमीटर चलाई है मैंने। ओके मस्त नॉन स्टॉप चलाने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कहीं जैसे आप चलाते हो, जैसे R15 काफ़ी नीचे होती है, हाथ में पैन होता है, ब्रेक में इसमें कोई कहीं पेनिंग कोई इशू, वही तो मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ट्रैफिक में। हाँ ट्रैफिक की अगर बात करें तो भाई ये ना आग फेंकती है, हीटिंग बहुत ज़्यादा है, ये इसका वो वाला सीन है कि अगर आग जल रही है और आप उसके ऊपर खड़े हो, ओहो तो फिर तो भाई ये जो कूलेंट टेम्परेचर है ना यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये कूलेंट टेम्परेचर देख रहे हो यहाँ पे 59.7 थी, ठीक है ये अगर 100 पार हुआ तो फिर हाथ जोड़ो साइड में लगा के, खुद पानी पियो, इसको ठंडा करो, उसके बाद निकलो राइड पे, क्योंकि भाई अगर ये 100 से ऊपर गई तो आग फेंकना चालू, हमारा ये पूरे पैर सब पैंट वेंट सब जल जाएगा, जल जाना है नहीं करती फिर। okay. तो अगर गर्म हो गई तो हो गई वाला सीन है इसका। ओके okay, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ, और थोड़ी सी आपने मॉडिफिकेशन भी कर रखी है, फटाफट वो भी देख लेते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है। स्टार्ट करते हैं तो भाई टैंक पैड हो गए, टैंक पैड कितने का था, ये टैंक पैड नहीं कहते इसको, कहते हैं थाई पैड, थाई पैड
ये हो गया आपका टैंक पैड। टैंक पैड उसके बाद मैंने फ्रेम स्लाइडर, फ्रेम स्लाइडर उसके बाद मैंने ये भी लगवाया था, ये तो टूट गया। एक शाना राइडर मिल गया था मुझे तो उसके साथ हो गया। ओके उसको बचाने के चक्कर में आपका नुकसान हो गया, मतलब बाइक मेरी गिरी नहीं बस वो टूट गया। ओके और ये सिमटेक का लगवाया अलग से आपने? मैंने चार्जर लगवाया क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी है। राइट ज्यादा जरूरी है ये राय होल्डर, मोबाइल होल्डर सबसे ज़्यादा जरूरी है। और कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जो आपने करवा रखी हो बाइक में? नेम आपको दिखा देता हूँ मैं, बैक स्टेज बाइकर भाई, सब्सक्राइब कर दे रहे, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चाहे किसी ने मिले ना मिले रंजीत भाई जरूर मिलेगी। बाकी यार ओवरऑल लुक देख लो काफ़ी सेक्सी है। तो रंजीत भाई, अब आप इसमें और कुछ कराना चाहोगे ऐसी मॉडिफिकेशन या कुछ एक्सेसरीज ऐड करना? तो मैंने डिसेंट मॉडिफिकेशन कराई थी। राइट कराई थी, अब आने वाली है, आने वाली जो मॉडिफिकेशन है वो आपको धीरे धीरे पता लगेगी। मैं थोड़ा सा रिवील कर देता हूँ। okay. मैंने अपने चैनल पे नहीं किया मगर थोड़ा सा आपके सब्सक्राइबर के लिए जो हमारे चैनल पे आएंगे बिल्कुल उनके लिए मैं बताता हूँ कि बाइक बहुत चेंज होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चेंज कर। ओके एग्जॉस्ट, ग्राफिक, उसके बाद ये जो स्लाइडर है भाई, ऐसा स्लाइडर लगेगा अभी तक किसी में नहीं होगा, W310RR में लगा ही नहीं। ओके मतलब इंडिया में हो जाएगी, मतलब जैसे मैं करवाने कह रहा हूँ वो वाला सीन करते हैं, जैसे ये वाली KTM होने वाले ना, बस वन इन इंडिया, बस वही वाला सीन करते हैं। है तो अपने पास नहीं तो किसी पे नहीं है, किसी पे बस सिंपल तो लेके दुनिया घूम रही है, तो हर कोई लेके घूम रहा है। अब किसके पास सेम टू सेम बाइक के जैसा हेलमेट, हेलमेट भी गाइस आप हेलमेट चेक करो, मतलब व्हाइट रेड, व्हाइट रेड ब्लू ऐसे मिलेगा ऐसे। ये देखो, ये चेक करो पूरा मैचिंग का यार गाइस, लिटरली यार फुल मैचिंग भाई। हेलमेट तो मेरे पहले भी था बट मैंने कहा बाइक जब इतनी महंगी ली है तो हेलमेट में थोड़ा सा पैसा बनता है, और हेलमेट भाई हेलमेट जरूरी भी है सेफ्टी, सेफ्टी के लिए राइडर्स के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई हेलमेट जरूर पहन के चलो। तो वैसे आज की वीडियो में ही था, वीडियो कैसी लगी कौन जरूर बताना। आज की वीडियो में रंजीत भाई ने फुल ओनरशिप रिव्यू दिया बाइक के, थोड़ी सी फीचर्स की बात करी हमने और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो कैसी लगेगी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले, और रंजीत भाई चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू रंजीत भाई को ओनरशिप रिव्यू देने के लिए, सारे के सारे जाओ बैक स्टेज बाइकर को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी भाई, भाई कमेंट कर देना स्पाइडर ब्लॉग की तरफ से आए हैं। मैं तब से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहे तंदुरुस्त रहे।